cabinet decisions. My request is, as usual, follow the points of order. And when asking questions, one by one, please. Please keep your mobile phones on a switch off or silent mode. Over to the Honorable Minister. पत्रकार बंधुओं नमस्कार मैं कैबिनेट की ब्रीफिंग के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको बताने जा रहा हूं और बाकी जो कैबिनेट नोट है उस पर विस्तार से आपको मिल जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज दाल के निर्यात पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं ऑल द प्रोहिबिशंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेस हैव बीन रिमूव्ड And there is a very strong reason for it, because the Prime Minister has appealed, and all of us had appealed, requesting the farmers to increase their pulse productions. और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 16-17 में 23 मिलियन टन दाल की खेती हुई थी, जिसमें 20 लाख टन गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट रेट्स जो भी अधिक था आपको पता है इसके बारे में पहले चर्चा हुई है तो चूंकि ये काफ़ी इनकरेजिंग रहा है और बाकी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है इसलिए कहा कि अब भारत के किसान अपने दलहन के उत्पाद को बाहर भी निर्यात कर सकते हैं पहले इस पर बंदिश थी हिंदुस्तान में दाल की कमी के कारण तो उसको हमने एक बड़ा फैसला है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा ये जो ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज है बाकी सर्विसेज आती हैं ये अप्रैल 2017 में समाप्त हुआ था तो कैबिनेट ने एक फैसला कर करके इसको 30 नवंबर 2018 तक एक्सटेंड किया है और आपको मालूम है इसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस नेशनल क्रैश स्कीम बाकी सारी चीज़ें हैं विस्तार से आपको इसमें मिल जाएगा तो छोटे बच्चों उनके विकास के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता इससे दिखाई पड़ती है और इसमें टोटल आउटले जो है 41,000 करोड़ का है तो फॉर एक्सटेंडिंग दिस स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग चाइल्ड गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 41,000 करोड़ इसको इसमें हमने प्रावधान किया है जी नो यस यस द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड एज आई टोल्ड यू 1/4/2017 it was in work till 30th of November 2018 मित्रों एक बहुत बड़ा फैसला आपको मालूम है अर्बन हाउसिंग में हमारी सरकार गरीबों की भी चिंता करती है और हमारी सरकार लघु मध्यम वर्ग और बाकी मध्यम वर्ग की भी चिंता करती है तो मिडिल क्लास के हाउसिंग स्कीम की चिंता के लिए आपको मालूम है कि हमने MIG 1 और MIG 2 बनाया था MIG 1 कवर्ड द इनकम ऑफ 6 लाख टू 12 लाख एंड MIG 2 कवर्ड द इनकम ब्रैकेट ऑफ 12 लाख टू 18 लाख और हमने ये कहा था कि हम MIG 1 में 9 लाख पर 4% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे भारत सरकार ने फैसला किया था और MIG 2 में 12 लाख पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात हुई थी तो ये स्कीम इनफोर्स था कि मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग का प्रोविजन हो और गवर्नमेंट सपोर्ट करे एक बार बार ये बात आ रही थी कि उसका कारपेट एरिया को बढ़ाया जाए इसके इंटाइटलमेंट के लिए द कारपेट एरिया शुड बी इंक्रीज टू हैव ए मोर रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वेरी प्रो मिडिल क्लास प्रोविजन आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि MIG 1 कैटेगरी में हम 90 स्क्वायर मीटर को बढ़ाकर 120 स्क्वायर मीटर कर रहे हैं कारपेट एरिया द कारपेट एरिया इन केस ऑफ MIG कैटेगरी 1 इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 90 स्क्वायर मीटर टू 120 स्क्वायर मीटर एंड इन केस ऑफ कैटेगरी 2 MIG
it is being increased from 110 square meter up to 150 square meter. 110 tha, usko badha ke 150 kar diya. To MIG 1 mein 90 square meter, 120 square meter. MIG 2 mein 110 square meter, 150 square meter. दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है वो मेरे न्याय विभाग के संबंध में है. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है देश की जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए. कोर्ट हॉल बने, जजेस के रेजिडेंशियल यूनिट्स बने, ये इसका काम होता है. जहाँ तक ई कोर्ट्स का सवाल है वो एक अलग स्कीम है जो हमारा न्याय विभाग देखता है. इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं और 60-40 भारत सरकार देती है, 60% भारत सरकार, 40% स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 कश्मीर में. मुझे आपको एक रोचक बात बतानी है कि ये स्कीम 93-94 से चल रही है, और मैं आपके सामने दो आंकड़ा देना चाहता हूं. अब तक इसमें 5,956 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, जिसमें 2,512 करोड़ नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 साल में हुआ है. ए स्कीम विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट क्लोज टू मोर देन 25 ईयर्स आउट ऑफ ए टोटल सम एलोकेटेड ऑफ 5,956 करोड़, 2,512 करोड़ have been released and spent only in the Narendra Modi government of 3 years. और ये आप देख लीजिए, मैं आपके सामने 20 साल में 42% बना और 3 साल में 58%. तो नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है ये उसका एक उदाहरण है. मैंने कहा आपके सामने बता दूं कि द कंपोनेंट इज 42% इन 20 ईयर्स एंड 58% इन 3.5 ईयर्स, सवा 3 साल का ये. और इसमें हम लगभग 4,500 कोर्ट हॉल्स और अबाउट क्लोज टू 8,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स और बनाएंगे. और जो हमने इसका पूरा असेसमेंट किया है तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जस्टिस डिलीवरी हैज ऑल्सो रेशन. तो ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी थी. ये सब बन जाएगा from it is being extended from 1/4/17 to 31st of March 20. The bottom line is that the government of Shri Narendra Modi, led by Narendra Modi, is very keen to provide adequate infrastructure and also quicker implementation as far as subordinate judiciary is concerned. Ye uska vishay hai. Aur isme ek aur baat hai. हम इसकी मॉनिटरिंग भी और ऑनलाइन करेंगे और हम इसकी जियो टैगिंग भी करने का विचार कर रहे हैं और जुडिशरी से कोऑर्डिनेट करके इसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो. ये बाकी रेलवे के डिविडेंड के बारे में जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, एक छोटा सा है, उसको मैं समय नहीं दूंगा. एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया आज कैबिनेट ने, सेटिंग अप नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी अंडर जीएसटी. नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी अंडर जीएसटी, मुनाफा विरोधी अखिल भारतीय अथॉरिटी का आज कैबिनेट ने स्थापित करने का निर्णय किया है. इसका एक कारण बहुत समझना जरूरी है. आज की तारीख में सिर्फ 50 आइटम है जो जीएसटी में 28% रेट अट्रैक्ट करते हैं, और 28 से 18% लाए गए हैं, 178 आइटम्स, 28 से 18%, और बाकी आपने देखा होगा कई आइटम 5% में आ गए हैं. अब उसमें क्या था कि लोग जो उनको पेमेंट वापस मिलना चाहिए, इतना बड़ा जीएसटी में रेट रिडक्शन हुआ है तो उसके कारण कई बार वो जो पेमेंट बैक प्रॉफिट मिलता है उसमें दिक्कत आ रही थी और प्रॉफिटेयरिंग की बात कही जा रही थी. आज जो हमने नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी सेटअप किया है, इट इज एन एश्योरेंस टू द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया. आज जो मुनाफा विरोधी
अथॉरिटी का की स्थापना की गई है कैबिनेट के निर्णय के द्वारा, ये भारत के छोटे छोटे बड़े कंज्यूमर्स के पक्ष में भारत सरकार खड़ी है। और इसका प्रावधान ये है कि एक स्टेट लेवल पर स्क्रीनिंग कमेटी मिलेगी जो राज्य के गुड्स जो हैं वो, और अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसका नेशनल रेमिफिकेशन है उसके लिए नेशनल लेवल पर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। और कोई भी कंज्यूमर अगर उसको शिकायत है कि जो उसकी देनदारी है वो उसको नहीं दी जा रही है और मुनाफाखोरी हो रही है, वो शिकायत कर सकता है। और उसके बाद ये मैटर एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के सामने आएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी, निर्देश दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है देश के अभी तो निर्देश है, बाकी है वो तो इसका डिटेल्स आएगा। बाकी एक TCL का एक विषय है कि उसके इंजीनियर्स को इस बात का निर्देश दिया गया है संचार विभाग में कि टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। पुत्रों, इसके पहले कि एक दो और छोटे विषय हैं, इंडिया और पोलैंड के बीच में सिविल एविएशन को लेकर के एक MOU हुआ है जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और बेलारूस के साथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के बारे में एक एग्रीमेंट कर हुआ है। मित्रों, पहले आपके मैं सवाल लूँ, इसके पहले मुझे आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। कुछ अखबारों में इसकी हल्की चर्चा आई है लेकिन ऐसा हमें लगता है कि थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहिए। एक प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, प्यू रिसर्च सेंटर, इट इज ए नॉन पार्टिजन थिंक टैंक ऑफ अमेरिका जो रिसर्च में, रेटिंग में, डेमोग्राफिक रिसर्च में, एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा स्थान है। और दुनिया में कई देशों में इन्होंने रिसर्च किया है, बाकी किया है। तो इन्होंने भारत के बारे में विस्तार से रिसर्च किया है, वो ऑनलाइन पर भी है, नमो ऐप पर भी है, इसको बाद में नरोना इसके सब्सटेंस को अपलोड करेंगे, कुछ जगह हल्के से छपा है। लेकिन मैं बस 4-5 चीज़ें मोटी बिंदु आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में देश की दिशा और आर्थिक स्थिति पर देशवासियों की संतुष्टि कितनी है, मोदी जी के लीडरशिप पर, इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर जब वो आए थे 78% थी, उसके बाद ये 87% गई, 2016 में 81% पे आई, अभी ये 88% पर है, द हाईएस्ट एवर। और जो फेवरेबल व्यू ऑफ नरेंद्र मोदी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ऑब्वियसली प्यू रिसर्च बॉडी इज ए नॉन पार्टिसन फैंक थिंक टैंक बेस्ड इन अमेरिका, वेरी वेल रिप्यूटेड एंड क्रेडिबल, विच कीप्स ऑन डूइंग रिसर्च वर्ल्ड ओवर। और करंट स्टेट ऑफ इकॉनमी में उनके लीडरशिप में दो फ्रॉम 57% टू 80%, मैं कुछ मोटी बात बताऊंगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। द सेकेंड इज द पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, दे हैव टेकन एन ऑल इंडिया वे ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, एंड वॉट इज रिमार्केबल इज he has a favorable rating of 84% in north, 85% in east, 92% in west and 95% in south. ye important hai. to dakshin bharat mein unhone baqaide ye kiya hai, ye hum log ko mila hai isliye bata जी। आई थिंक दे हैव गॉन वेरी इलेबोरेटली, मैं आपको ना एक मिनट रुकिए तो सही, आप परसेंटेज मैंने बताया उनकी अखिल भारतीय लोकप्रियता का, नॉर्थ में 84, ईस्ट में 85, वेस्ट में 92, साउथ में 95। अब ये देखिए तीसरी बात जो मैं कहता हूं, व्हाट इज द ट्रस्ट फैक्टर ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत जरूरी है। और एन इज वर्क द डू नॉट ट्रस्ट इज 11% एंड ट्रस्ट इज 85%, एंड द लास्ट इज
उन्होंने पूरे देश के पॉपुलेशन के हर कंपोनेंट में इसको एसर्टेन किया है. एंड दे हैव गॉन बाय वेरी फेवरेबल, समवॉट फेवरेबल, समवॉट अनफेवरेबल, वेरी अनफेवरेबल. ये उनके चार मानक हैं. वेरी फेवरेबल इज मेन 72, वुमेन 66, एंड समवॉट फेवरेबल इज 17 एंड 20. और देश में युवकों को लेकर बहुत चर्चा लोग करते हैं, तो 18 से 29 एज ब्रैकेट में वेरी फेवरेबल इज 72 एंड समवॉट फेवरेबल इज 18. तो एज बैठ है 18 से 29 का. एंड द लास्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू इज द अर्बन एंड रूरल. अर्बन वेरी फेवरेबल 71%, रूरल 68%. ये कोई एजेंसी या थिंक टैंक ना बीजेपी की है ना भारत सरकार के कंट्रोल की है. इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक हैविंग इमेंस क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर. तो उनकी एक रिपोर्ट आई तो हमने कहा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख दूं. बाकी इसका डिटेल्स ऐप पर भी लोड किया गया है, बाकी ही विल ऑल्सो पुट इट एट. बट द लार्जर इशू इज दिस, एंड दिस आई वॉन्ट टू से विद सम डिग्री ऑफ एश्योरेंस. Today, BJP is ruling in 13 states of India as the chief minister, 5 states as the deputy chief minister. The government of India is ours. The victory of BJP, as is being reflected, is also borne out by the rising popularity of the party and the leader. और मैंने BJP की popularity के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी काफी extraordinary है. उन्होंने पार्टियों को भी किया है. तो आज देश को हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है और देश को उनके ऊपर ट्रस्ट है. दैट इज द बॉटम लाइन आई वुड लाइक टू हाईलाइट. दैट्स ऑल आवर क्वेश्चंस. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू सर. या प्रशांत सर, जिस प्यू रिसर्च उसके बात की आपने, उसी में लिखा हुआ है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि 48% अराउंड 50% लोग महंगाई, हिंदू मुस्लिम सद्भाव और जो पोल्यूशन का मामला है उसको टैकल करने में मोदी जी नाकामयाब रहे हैं, क्या कहें? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट. अब मैंने कहा कि मैं आपको बहुत डेटा दे रहा हूं, इसीलिए अलग अलग मुद्दों से निपटने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को जन समर्थन. अब मैं पूरा पढ़ ही देता हूं. अनएम्प्लॉयमेंट पर 72% लोग प्रसन्न हैं, उन्होंने ठीक काम कर रहे हैं और करेंगे. टेररिज्म पर 71%, करप्शन पर 70%, हेल्पिंग द पुअर 72%, कम्युनल रिलेशनशिप 50%, एयर पोल्यूशन 48%, और राइजिंग प्राइसेस पर 57% लोग का जन समर्थन है. द सिचुएशन इन कश्मीर 60%. तो अगर आप देखेंगे तो खाली एयर पोल्यूशन को छोड़ दें तो अधिकांश 70 है, 75%, 72% है, एक 50% है. तो 57% लोगों का जन समर्थन है. मार द वर्ल्ड टोटैलिटी हैज टू बी टेकन ना. लोग ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी की कोशिश. और आज अगर आप पूर्व सरकार के इन्फ्लेशन को देखें, आज देखें तो आपको आंकड़े बताते हैं. यस सर, आई अंडरस्टैंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज यू नो गेटिंग सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी एंड ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन गुजरात, बट द कैजुअलिटी हैज बीन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट. सो डज दिस मीन नाउ बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स आर डूइंग डोर टू डोर कैंपेन, द MPs आर बिजी, यू नो parliamentary democracy takes a back seat, or are you going to just have a short session? That is, I got multiple questions, so I'll just. As far as parliamentary session is concerned, I understand the parliamentary affairs committee will take a call. Mr. Anand Kumar is in touch with them, and only because the ministers of this government are remain in touch with the common people. What's your problem? We don't have any problem meeting the people, going door to door. The ministers of Narendra Modi government are not elitist, who only tweet. They work on the ground too. Yes. So on the other issue of you know the Rafael deal, today there has been allegation that from that is the not a matter of cabinet. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Okay. The other sir, on this 57,000 crores of this Environment Protection Act, why 57,000 crores which has been being unused? Why doesn't the center intervene and ensure that the states you know utilize this fund so that we get clean air at least in North India? I think we have got a very distinguished Minister of Environment, Dr. Harshvardhan, who is in the process. Yes, thank you. Yeah. Sir,
सर मेरा सवाल रफाल डील को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। देखिए यह आज कैबिनेट का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कांग्रेस के आरोप की बात की है तो जब भी कांग्रेस ये सब चर्चा करती है तो कांग्रेस अपने दिनों की याद कर जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनको ये बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 3 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यस सर, आप काफी दिनों से सांसद, कई वर्षों से सांसद है और उसी सांसद आपको कोई कठिनाई है क्या उस पर? उसी सांसद ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पूरा कश्मीर भारत का है, लेकिन उसी सांसद के एक सांसद फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके भारत का नहीं है और वो किसी के बाप की औकात नहीं तो उसे ले सकते। ये भारत सरकार को और भारत को ही चुनौती है। कश्मीर भारत का है और भारत का रहेगा, और जो संसद ने प्रस्ताव पारित किया है वो सभी सांसदों पर लागू है। धन्यवाद सर। एनी कमेंट एज यूनियन मिनिस्टर ओवर द ब्लेटेंट थ्रेट्स दैट हैव बीन कमिंग आउट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटफिट्स लाइक करनी सेना टू द डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ द फिल्म पद्मावती एंड सच अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर द मूवी? आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस एट ऑल। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री विल हैंडल इट। यस Yes. Yes, thank you. Any other question? Sir, आप रामलला के वकील भी रहे, जिस तरह से कोशिश हो रही है कोर्ट के बाहर एक बार सहमति बन जाए और जो पांच जो डेट टू डे सुनवाई होगी उसके पहले एक आम सहमति का फॉर्मूला दिया जाए, क्या उम्मीद थी? रामलला के वकील अब देश के कानून मंत्री है, क्या उम्मीद सर? क्या यस You'll be conveyed when it is done. Yes, anyone? On this anti-profiting act that you have, committee that you have set up under GST, the common man, especially those who are, you know, from restaurant, they're not passing it on to the consumer. Right. Will you act against them? Because ultimately, uh-huh. You know, Narendra Modi has taken such important decisions of reducing it. You must understand this came into effect from yesterday. This you must know it. कम से कम आप लोग सही चीज तो रखा करिए। आप जस्ट मिनट, बट जितने तेज गति से हम लोगों ने एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी को एस्टैब्लिश किया है वो हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है कि अगर कोई प्रॉफिटिंग करता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर्स को कार्रवाई करने का अवसर मिलना चाहिए। हम कंज्यूमर के हितों का सम्मान करते हैं। Therefore, these are issues which will be taken care by the authorities. They will. Will you act against that? I think a proper structured mechanism has already come into being. Sir, CCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर CCA ने एक बड़ा फैसला लिया है कि दालों के एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटा दी गई है। कुछ दिन पहले तक सरकार दाल का बफर स्टॉक बना रही थी, दाल इम्पोर्ट होता था, तो इसको दाल के उत्पादन को बढ़ाने में कितनी बड़ी कामयाबी कहेंगे और इन्फ्लेशन के मोर्चे पर क्या अभी चिंता हट गई है माना जाए? देखिए आप एक बात समझिए, पूर्व में दालों की किल्लत रही है, सच्चाई है, हमें बाहर से दाल को आयात करना पड़ा था और उसी आलोक में हमने कहा था कि जो देश में दाल होती है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगे। लेकिन आज जब भारत के किसानों ने देश के आह्वान पर, प्रधानमंत्री के आह्वान पर मीडिया में बातें लिखी गईं, आज देश को इतना बड़ा बदलाव किया कि 23 मिलियन टन उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया है और उसमें भारत सरकार ने खरीदा भी, तो आज हमें उनके लिए अवसर देना चाहिए कि वो अपने उत्पाद को बाहर भी भेज सकें, इसीलिए हम उस प्रतिबंध को समाप्त कर रहे हैं। सर कानून मंत्री के तौर पर आप जो कोशिश चल रही है अयोध्या में कोर्ट से बाहर बातचीत करके मामले को सुलझाने की, क्या आप मानते हैं कि अच्छी पहल है और क्या आपको लगता है कि इसका कोई रास्ता निकल सकता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि श्री श्री रविशंकर जो बात कर रहे हैं वो सरकार के एजेंट के तौर पर बात। श्री श्री रविशंकर जी का विषय श्री श्री रविशंकर जी के पास रहने दीजिए, कानून मंत्री रविशंकर के पास मत लाइए, ठीक है? ओके धन्यवाद। एनीथिंग फॉर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स।